అడగాలంటే మీరు ప్రెజర్ చేయకూడదు, అడిగినంత వరకు మరి అంతే అడగాల, మీరు ప్రెజర్ చేయకూడదు. ఏంటిది అరెస్ట్మెంట్ అని నాకు అర్థం కావట్లేదు. కట్టలే మరి కాదా, మరి అలాగే ఉంది, అలాగే అలాగే ఉంటుంది. మరి నువ్వు అలా ప్రెజర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోతే అడుగు, నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోతే అడుగు, ఇస్తాను కంపల్సరీ ఇస్తాను కంప్లైంట్. నువ్వు అలా ప్రెజర్ చేస్తుంటే అది నీ గ్యారంటీ ఇస్తాను. కుమార్ కదా నీ పేరు. जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे. और बहुत ही बोरी दोस्तों ये वीडियो है. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिकवरी एजेंट के ऊपर. मैं आपको अलर्ट जारी करने वाला हूँ कि इन सभी एप्लीकेशन से, NBFC एप्लीकेशन से अगर आपने लोन का पेमेंट नहीं किया तो अब आप लोग दोस्तों सावधान हो जाइए. यहाँ से अब आपके घर पर तुरंत ही एजेंट पहुँच जाने वाले हैं. इसके पीछे का पूरा सच आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा. और साथ ही में चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट की क्या सच्चाई है, क्या सच में रिकवरी एजेंट अब आपके घर पर आसानी से पहुंच जाएंगे. आपको RBI की गाइडलाइंस पता चली होगी कि रिकवरी एजेंट पहले आकर आपसे बदतमीजी करते थे, अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में. तो यहाँ पर वो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है. सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, लोकेशन इसी पे डिपेंड करता है कि वो आपके घर पर आएंगे कि नहीं आएंगे. काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि मैंने 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन लिया. तो 90% केस में, 90% केस में दोस्तों अगर आपका घर रूरल एरिया में है, गांव वाले क्षेत्र में है, तो फिर आपको एजेंट नहीं आएंगे. गांव में है तो दोस्तों नहीं आएंगे. लेकिन इसी जगह 90% चांस है कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वो लोग आसानी से पहुंच जाएंगे. दो बातें मैंने लिखी है, 90% चांस है कि रूरल एरिया में, गांव में अगर आप हैं तो फिर वो लोग नहीं आएंगे. लेकिन अगर 90% चांस है कि आप अगर अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, तो फिर वो पहुंच जाएंगे. आखिर रिकवरी एजेंट से दोस्तों कैसे छुटकारा मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए, वो भी आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारी एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन हो चुकी है. करोड़ों लोग इसके यूज़र हैं और लाखों लोगों ने लोन लिया है और हज़ारों लोगों ने इसका पेमेंट नहीं भी किया है. अब इतने लोगों ने जब पेमेंट नहीं किया तो एप्लीकेशन वाले उसका पेमेंट छोड़ नहीं सकते, नहीं तो कंपनी को बड़ा लॉस होगा और कंपनी बंद हो जाएगी एक बार में ही. इसी वजह से इसके इन्वेस्टर्स ने क्या किया है कि हर जगह थर्ड पार्टी एजेंट्स को रख लिया है और अब रिकवरी के लिए वो लोग घर पर आ जाते हैं. आप लोगों को ये सूचना मिल गई होगी, ये आपको पता होगा अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो. लेकिन मैं बता दूं कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपके ऊपर दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती और रिकवरी एजेंट भी आपके घर पर दोस्तों नहीं आएंगे. कैसे नहीं आएंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो अगर वो लोग आपके घर पर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए कि अगर कोई भी असहज बातें वो आपसे करते हैं या गलत बात करते हैं तो आप सिंपली उसके खिलाफ आसानी से कार्रवाई कर सकें. सबसे फर्स्ट केस में तो आपको ये करना, सेकेंड कि आपको उनसे जल्द ही मारपीट या हाथापाई बिल्कुल भी नहीं करनी है. अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग और बुरी तरीके से फंस सकते हैं. काफ़ी जगह देखा जाता है कि लोग तुरंत उग्र हो जाते हैं और अपना हाथ उठा देते हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो आप उनको समझा दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी पेमेंट नहीं करने के सक्षम हैं, और जब पेमेंट करने के सक्षम होंगे तो आप खुद से ही उसका पेमेंट कर दीजिएगा. इतना कहने के बाद अगर फिर भी वो दोबारा आपके घर पर आते हैं तो फिर आप उस कंपनी का कंप्लेन कर दीजिए, या फिर उस एजेंट का दोस्तों कंप्लेन कर दीजिए उसी कंपनी में. एजेंट का आपको दोस्तों कंप्लेन करना होगा, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उसी कंपनी को आप लोग कंप्लेन कर दीजिए कि आपका एक एजेंट मुझे आकर बार बार परेशान कर रहा है. बार बार कोई भी आदमी दोस्तों बिना आपके परमिशंस के आपके पास नहीं आ सकता. आपको राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम सब कुछ मिला हुआ है, आप बिल्कुल ही आज़ाद हैं कहीं पर भी रहने के लिए, और निजी ज़िंदगी में कोई भी आपके दखल अंदाजी नहीं दे सकता. अगर कोई भी आदमी ऐसा करता है, भले ही वो रिकवरी एजेंट ही क्यों ना हो, आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं. इस बात का आपको पता होना चाहिए. कोई भी गलत बात या कोई भी आपको अनुचित बात अगर लगती है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8780082240, इस पर मैसेज कर सकते हैं. अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा. काफ़ी कम ही आदमी को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेजेस आता है और डेली 2000-3000 मैसेज का रिप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा टफ है. ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको दोस्तों कॉल नहीं जाएगी.
और इसी के साथ अगर आपकी कोई भी दोस्तों क्वेरी हो तो मैंने बता दिया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी रिकवरी एजेंट की सच्चाई भी आपको पता चल गई होगी। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।